हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं डीएस देखो और सीखो चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को सिखाते हैं फोटो को पीएनजी में सेव कैसे करें। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, एक क्लिक में आपका फोटो पीएनजी बन जाएगा। फ्रेंड्स, आप अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल के चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगर अपना फोटो को पीएनजी में सेव करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर रिमूव लिखेंगे, RemoveBG रिमूव बीजी बीजी। देखिए ऊपर में आ गई, इसको अभी हम क्लिक करेंगे ऊपर में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके ऊपर में देखिए रिमूव बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर दिखा रहा है अपलोड इमेज, ठीक है, तो अपलोड इमेज में क्लिक करेंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स एकदम। उसके बाद अपलोडिंग में दबाने के बाद ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ से कहीं कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ अगर नहीं मिल रहा तो ब्राउज़र से भी ले सकते हैं, ब्राउज़र से हम लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गैलरी में जाएंगे, एल्बम में जाएंगे, फ़ोटो में जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जैसे मैं फ़ोटो लेता हूँ मेरा ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर अपलोडिंग होना चालू। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद देखिए ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देखते रहिए। फ्रेंड्स, आप अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन में दबा के बेल की घंटी को भी दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अभी डाउनलोड कीजिए HD में या 736 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इधर वाला से करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे बता रहा, देखिए सेव PNG में सेव हो गया बता रहा। ठीक है, तो अभी बैक आएंगे हम लोग। बैक आके हम लोग गैलरी में जाकर देखेंगे वहाँ आया कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर में ही है। ये देखिए PNG में सेव हो गया। कटिंग भी कितना मस्त हुआ है देखिए। अभी इसको आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं भी ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक, कमेंट और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।